हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़न सारी निशा रसोई। आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिल से स्वागत करती हूँ अपने सभी यूट्यूब फैमिली का। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं लाने वाली हूँ आप सभी के लिए एक छोटा मोटा ब्लॉग। तो मेरी बहन की शादी है और मैंने आपसे प्रॉमिस करा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं आपकी छोटी मोटी जो भी खुशियाँ होती हैं आपके साथ शेयर करती, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप भी मेरी फैमिली जैसे हो। तो देखिए, यहाँ पर हल्दी की डेकोरेट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुई भी है। माशाल्लाह मुझे तो अच्छी लगी, और आपको अच्छी लगी या नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जीना है, दोनों जीनों पर डेकोरेट कराई है, और ऊपर की साइड जो हमारी ये बिल्ड होती है तो यहाँ पर भी डेकोरेट करा रखी है, और छत पर रखा है प्रोग्राम। तो मैं आपको छत की भी वीडियोज़ दिखाऊँगी, यानी कि छत की डेकोरेट दिखाने वाली हूँ। तो माशाल्लाह देख सकते हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त डेकोरेट हुई भी है। तो यहाँ पर हो गया हमारा आगे का हिस्सा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, शादी वाला घर। तो येलो कलर के हमने यहाँ पर लड़ियाँ लगा रखी हैं, यानी कि गेट पे लगा दी है, यहाँ पर भी लगा दी है, और यहाँ पर अपनी शीशे पे लगा दी है। अब चलते हैं यहाँ पर हम दहेज की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दहेज दिखाती हूँ, यानी छोटा मोटा अपनी बहन अपनी पसंद से लेकर आई है। अलमारी है, मशीन है, फ्रिज है, तो आप देख सकते हैं सब ये अफशा की पसंद का सामान है। माशाल्लाह जितना उसका नसीब में था उसको मिल गया है। अल्लाह ताला कहते हैं जब बेटी देते हैं तो उसका नसीब सबसे पहले लिख देते हैं, और ये सच है। बेटी के नसीब में जो होता है इंशाल्लाह वो लेके चली जाती है। तो देख सकते हैं जैसे भी था, हमारे अम्मी अब्बू नहीं है लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और शादी भी करी है। तो ड्रेसिंग भी माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया था इसका, ड्रेसिंग और अलमारी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो माशाल्लाह इसके कपड़े हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर बोतल वगैरह मेज पर रखी हुई है। तो इसका सामान भी मैंने आपको दिखा दिया है, आपके साथ सारी बातें शेयर कर दी हैं, हर वो चीज़ दिखा दी है जो शादी से रिलेटेड थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सब दिखा दिया है दहेज का। तो यहाँ पर हमारा होने वाला है, फिर चलेंगे ऊपर। ऊपर हो रही है तैयारी, तो सामान नीचे हॉल में रखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान था सारा हमारा, माशाल्लाह की सीनरी लगी हुई इसलिए ताकि के देखने वाला है वह एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोल दे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे ऊपर भी सब तैयार हो गए हैं। स्टार्ट करती हूँ नाफिया से। तो आज नाफिया ने पहने हैं कपड़े येलो कलर के, क्योंकि हल्दी का घर है और हल्दी का ही प्रोग्राम है। तो उसके लिए यहाँ पर सब तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पर मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको अपना लुक कैसे दिखाऊँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहनें तैयार हो रही हैं, और यहाँ पर हमारी अंदर की भी डेकोरेट हो चुकी है, और यहाँ पर रुखसार भी तैयार हो रही है। ये भी मेरी बहन है, और जो पीछे खड़ी हुई है वो भी मेरी छोटी बहन है। तो रुखसार भी मुझसे छोटी है, और साथ में है आतिफ। तो आतिफ से भी मैं आपको कई वीडियो में मिलवा चुकी हूँ, और मैं आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ। तो मैं आतिफ को बुला रही हूँ, आजा आतिफ सामने, मेरा भांजा है आतिफ। तो मेरी बड़ी वाली बाजी का बेटा है जिनका इंतकाल हो गया, कमर जहाँ बाजी, उनका बेटा है आतिफ। तो देखिए ये अपनी खाला के साथ खड़ा है, ये खाला भांजे खड़े हैं। अब यहाँ जाते हैं छत पर, मैं आपको छत की डेकोरेट दिखा देती हूँ। यहाँ पे शूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फोटो शूट हो रहे हैं और वीडियोज़ बनेगी वो सब इसकी अच्छे से वीडियोज़ ले रहे हैं, क्योंकि लड़की आने से पहले यहाँ पर सारी अच्छे से वीडियोज़ डालेंगी। अब यहाँ बच्चे बैठे हैं साइड में, उनकी अम्मी भी बैठी, यानी मेरी बहनें बैठी हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी सारे लोग वेट कर रहे हैं, और देखिए ये यहाँ पर ये सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन वीडियोस बन रही हैं। तो माशाल्लाह मुझे तो स्टेप बहुत पसंद आया हल्दी का। अब देखिए अफशा को ऊपर लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर इसकी एंट्री होने वाली है। एंटी के लिए खड़े हुए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। मेरा कैमरा बिल्कुल पीछे की साइड है, अफशा रही है, कैमरे वाले मुझसे आगे हैं। तो देखिए यहाँ पर अफशा की एंट्री की, यानी कि सूट किया जा रहा है। तो देखिए माशाल्लाह अच्छी लग रही है। तो अफशा ने पहना है साड़ी लहंगा, जो कि दुपट्टा टच था, लहंगे के साथ में ही अटैच था, तो इसी के साथ अटैच है दुपट्टा। तो इसीलिए थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि इसको ही कह रही थी मुझे ऊपर आने में शर्म आ रही थी, तो बेचारी के सर पर दुपट्टा हमने खुद से ही रख लिया। हम कह रहे थे कोई बात नहीं। तो माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, इसकी फ्रेंड है ये। ये देखिए माशाल्लाह से रुखसार भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर इसकी एंट्री होने का स्टार्ट है, क्योंकि काफ़ी फॉग, येल्लो फॉग होगा यहाँ पर।
इसकी एंटी के नहीं है और गन्स चलेंगी तब वीडियो वाले कहेंगे भैया तभी ये गन्स चलेंगी। तो देखिए फायर होना चालू हो गया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शोर शराबा भी हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कॉपीराइट ना लगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इंजॉय कर रहे हैं सब, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से इंजॉय हो रहा है। अब फोग आ गया येल्लो कलर का, तो येल्लो कलर का फोग आ चुका है। नाफिया भी एंट्री में आ गई है। तो यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है ये वाला। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ये धुआं से मेरी आँख में मिर्चें लगने लगी थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर अब हम बिठाएंगे इसको सोफे पे यानी स्टेज पे लेके चलेंगे। स्टेज से पहले फिर इसकी मेहंदी लगेगी, सॉरी हल्दी लगेगी, और हल्दी की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया से तैयारी हो चुकी है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और उसकी भी आँख में मिर्चें लग रही हैं। यहाँ पर आ गया येल्लो फॉग, मस्त तो लग रहा है लेकिन पर क्या है मेरी आँख में बहुत जलन हो रही है इससे, मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा था लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। ये रिसालत हैं मेरे छोटे बहनोई शालू के, यानी कि शालू के हस्बैंड हैं ये। ये भी वीडियो शूट करा रहे हैं अपनी। तो यहाँ पर आ गया है केक। तो देखिए यहाँ पर केक आ चुका है, हल्दी वाला केक है। तो यहाँ पर अब कटेगा केक और अब शाह आ रही है केक काटने के लिए। और अब शाह का चश्मा बड़ा स्टाइलिंग है, पसंद आएगा आपको देख के। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी गज़ब की लग रही है ये एंट्री, तो बहुत ही माशाल्लाह गज़ब की है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो चश्मा तो अच्छा लग रहा था लेकिन ये मुझे अजीब लग रही थी देखने में, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। तो अब यहाँ पर हो रही है इसकी केक की कटिंग। ये देखिए माशाल्लाह से, आप सोचेंगे बर्थडे या बर्थडे नहीं है लेकिन हल्दी का केक है। नाफिया ने, अफशा ने, इन दोनों ने ऑर्डर कराया था तो बच्चों की ज़िद पे है, मेरी बहन ने ऑर्डर कर दिया था। ये देखिए यहाँ पर भी गन चालू हुई हैं, अब बिठा दिया इन्हें स्टेज पर और स्टेज पर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर इनकी हल्दी लग रही है माशाल्लाह से। अब यहाँ पर मैं आपको इसलिए नहीं दिखा, अपने आप को नहीं दिखा पा रही क्योंकि यहाँ पर मैं ही कर रही थी सभी कुछ। तो माशाल्लाह यहाँ पर अब इनसे मिलो। ये है मेरी बड़ी नन जिन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने हैं। तबस्सुम बाजी नाम है इनका, तबस्सुम नाने सॉरी बाजी मैं कहती हूँ, इनका नाम है तरन्नुम। ये मुझसे छोटी हैं उम्र में भी और रिश्ते में भी, उम्र में तो पता नहीं लेकिन रिश्ते में तो छोटी हैं। अब आप इन्हें भी देखिए यहाँ पर सब माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं। हल्दी का स्टेज का सूट हो रहा है, अफशा के बहुत अच्छे अच्छे सूट ले रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, इसके लुक बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, बड़ा प्यारा सा इन्होंने स्टेज तैयार कर दिया है, मुझे बहुत पसंद आया है। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर इसकी तैयारी हो रही है। तो कैसा लगा तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आपको अपना दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने येल्लो कलर की चूड़ी पहनी है और पूरा सेट बनाकर पहना है, कपड़े पहने हैं येल्लो कलर के। तो आप मेरे को मैं अपना कपड़े दिखा दूँ, पायल भी पहनी है आज मैंने और पायल के साथ साथ चुटकियाँ भी पहनी है माशाल्लाह ये मेरा। तो मैंने सोचा मैं सबकी वीडियो शूट कर रही हूँ, क्यों ना मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो भी शूट कर लूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।